हे गाइस, कॉमिक प्लस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्पाइडरमैन कमिंग होम की स्टोरी देखने के बाद आप सभी लोगों को मॉर्लून का एक इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा और आप सभी लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि मॉर्लून दरअसल में कितना खतरनाक है। और उस कहानी को कवर करना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि स्पाइडरवर्स में मॉर्लून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक कैरेक्टर और भी है जो स्पाइडरवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसका नाम है सुपीरियर स्पाइडरमैन। सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में मेरे सबसे फेवरेट कॉमिक बुक स्टोरीज में से एक है और मैंने इसे अलग से कवर करने का सोचा था, लेकिन क्योंकि स्पाइडरवर्स में सुपीरियर स्पाइडरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसकी कहानी को समझे बिना हम लोग स्पाइडरवर्स को शुरू नहीं कर सकते। और आप लोगों से भी कम्युनिटी पोल में पूछने के बाद आप सभी ने मुझसे ये कहा कि आप सभी लोग सुपीरियर स्पाइडरमैन की कहानी को जानना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुपीरियर स्पाइडरमैन की स्टोरी को कवर करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। सुपीरियर स्पाइडरमैन दरअसल में मार्वल कॉमिक्स का 1 से 1.5 साल चलने वाला स्टोरी आर्क है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं सुपीरियर स्पाइडरमैन की उन्हीं स्टोरीज को कवर करूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुपीरियर स्पाइडरमैन की कहानी को सुनने के बाद आप सभी को वैसा ही फील हो जैसा मुझे इसको पढ़ने के बाद हुआ था। और अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये कहानी अनवर्दी तौर से काफी मिलती जुलती है, और ऐसा क्यों है ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुपीरियर स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन पे एक बिल्कुल अलग टेक लेती है। लेकिन अगर आप सभी लोग सुपीरियर स्पाइडरमैन को एंड तक फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, ये आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रीट होगी। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज से हम शुरू करने वाले हैं मार्वल के सुपीरियर स्पाइडरमैन को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत राफ्ट नाम की एक प्रिजन से होती है जो दरअसल में सुपर ह्यूमन प्रिजनर्स के लिए एक जेल थी। लेकिन अचानक ही राफ्ट के अलार्म्स बज उठते हैं और उस पर मौजूद सारे के सारे गार्ड्स अलर्ट होकर उस अलार्म की सोर्स तक जाने लगते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन सबको रियलाइज होता है कि उस अलार्म का सोर्स दरअसल में डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑक्टोपस था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस पिछले काफी समय से काफी बुरी हालत में था क्योंकि आज से कुछ ही समय पहले उसे ये चीज पता चली थी कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है, और सारी कोशिशें करने के बाद भी वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाया था, और इसी वजह से उसका शरीर अब पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो अपनी जिंदगी की बची हुई आखिरी सांसें गिन रहा था। वहां पहुंचने के बाद वो सारे के सारे गार्ड्स वहां मौजूद डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिरकार ऑटो ऑक्टेवियस अपना अलार्म क्यों बजा रहा था। लेकिन वो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि पिछले काफी समय से ऑटो ऑक्टेवियस ने कोई भी हरकत नहीं दिखाई थी, लेकिन अचानक ही आज काफी समय बाद वो कुछ बोल रहा था। और वो लोग उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डॉक्टर ऑक्टेवियस क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, और तब उन्हें ये चीज पता चलती है कि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द थे पीटर पार्कर। और वहां से थोड़ी ही दूर न्यूयॉर्क शहर में पीटर इस चीज से बिल्कुल अनजान था, और वो स्पाइडरमैन बनकर अपने वेब्स को स्विंग कर रहा था और न्यूयॉर्क शहर को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने घर पहुंचता है और अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा देखने लगता है और ये सोचता है कि पिछले काफी समय से उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, और ये चीज पीटर पार्कर को काफी कम देखने को मिलती थी क्योंकि अब उसके पास एक जॉब था और इसके साथ ही साथ काफी समय से उसकी लाइफ में कोई भी खतरा नहीं आया था। और ये सोचने के बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज करके अपने जॉब पर जाने लगता है। पीटर पिछले काफी समय से होराइजन लैब्स नाम की एक जगह पर काम करता था, जहां पर वो अपने बॉस मैक्स मॉडल के लिए कई सारी चीजों को डेवलप करता था। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया था क्योंकि अब उसने धीरे धीरे करके मैरी जेन के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे करके अब आंट मे के लिए भी अपना टाइम निकालने लगा था। एक एक्सीडेंट में आंट मे को चोट लगने की वजह से वो अब धीरे धीरे करके अपने आप को रिकवर कर रही थी, और पीटर मैरी जेन के साथ मिलकर उन्हीं को देखने आया हुआ था कि तभी अचानक उसका एवेंजर्स कार्ड बीप करने लगता है, और वो समझ जाता है कि कोई इमरजेंसी है क्योंकि एवेंजर्स ने उसे बुलाया था। और ये देखकर वो हमेशा की तरह एक बहाना मारकर वहां से निकल जाता है। एवेंजर से बात करने पर उसे पता चलता है कि वो लोग उसे राफ्ट पर बुला रहे थे, जहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात कैप्टन अमेरिका, वोल्वरीन, हॉकआई और स्पाइडर वुमन से होती है। कैप्टन अमेरिका उससे कहता है कि उन लोगों ने उसे राफ्ट पर इसीलिए बुलाया था क्योंकि राफ्ट का एक प्रिजनर उससे मिलना चाहता था।
और ये सुनने के बाद वो लोग पीटर को अंदर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस ने दरअसल में स्पाइडरमैन को नहीं बल्कि पीटर पार्कर को बुलाया था। और उन लोगों की बात सुनकर पीटर उनसे कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटो ऑक्टेवियस को कई बार हरा चुका था और अपनी मौत के इतने करीब पहुंचकर ऑटो ऑक्टेवियस अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और ये कहने के बाद वो डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलने चला जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद वो उससे कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से सिर्फ दो शब्द निकालता है, पीटर पार्कर। और स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार के उससे कहता है कि वो पीटर पार्कर ही है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे कहता है कि नहीं, पीटर पार्कर दरअसल में वो है। और ये सुनने के बाद पीटर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, नॉट एनी मोर स्पाइडरमैन, क्योंकि अब से वो पीटर पार्कर था। और तब हमें ये चीज पता चलती है कि ऑटो ऑक्टेवियस ने दरअसल में पीटर के साथ अपने दिमाग को चेंज कर लिया था और उसका कॉन्शियस दरअसल में अब पीटर के शरीर में जा चुका था और वहीं पर पीटर पार्कर अब ऑटो ऑक्टेवियस के शरीर में पहुंच चुका था, एक ऐसा शरीर जिसके पास अब जीने के लिए काफी कम समय बचा था। ऑटो ऑक्टेवियस उससे कहता है कि उसकी कॉन्शियसनेस अब एक ऐसे शरीर में कैद हो चुकी थी जिसके पास जीने के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी थे और मरने से पहले उसने अपने सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी यानी कि स्पाइडरमैन पे अपनी आज तक की सबसे बड़ी ट्रिक परफॉर्म करी थी, एक ऐसी ट्रिक जिसने उसे नई जिंदगी दे दी थी। और ये सुनने के बाद पीटर कार्डियक अरेस्ट में जाने लगता है और एक ही सेकंड में डॉक्टर्स वहां पर आकर उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं और इसी मौके को देखकर स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। कैप्टन अमेरिका और वोल्वरीन उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऑक्टेवियस ने उससे कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि ऑक्टेवियस के पास अब जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे थे और ऐसे में उसे ऑक्टेवियस के कुछ भी बोलने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके पास करने के लिए और भी कई सारे काम थे। और ये कहने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस वहां से निकल जाता है। लेकिन इधर राफ्ट में डॉक्टर्स मिलकर हर एक तरह से पीटर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर सोचते हैं कि आखिरकार वो लोग ऑक्टेवियस जैसे विलन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर कहती है कि जान बचाना उनका काम है। और ये कहने के बाद वो लोग देखते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस का हार्ट एक बार फिर से चलने लगा था। लेकिन उन डॉक्टर्स के जाते ही पीटर अपने दिमाग में सोचने लगता है कि आखिरकार ऑटो ऑक्टेवियस ने ये चीज करी कैसे। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऑटो ऑक्टेवियस जैसा क्रिमिनल उसके शरीर में मौजूद था और अब वो पीटर का शरीर और उसकी पावर्स का यूज करके किसी भी चीज को कर सकता था। और ये सोचते ही पीटर घबरा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस चीज को भी सोचने लगता है कि आखिरकार ऑटो ऑक्टेवियस ने ऐसा किया कैसे। और तब उसके दिमाग में अचानक ही ऑटो ऑक्टेवियस की मेमोरीज आने लगती हैं और पीटर को रियलाइज होता है कि ऑटो ऑक्टेवियस ने सिर्फ पीटर और उसकी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे से बदला था और इसका मतलब ये था कि पीटर की कॉन्शियसनेस इस वक्त ऑटो ऑक्टेवियस के दिमाग में थी और इसी वजह से वो ऑटो ऑक्टेवियस की सारी मेमोरीज को देख सकता था। और तब पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि ये सब कुछ दरअसल में उस हेलमेट की वजह से हुआ था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हेलमेट दरअसल में पीटर ने आज से कुछ ही समय पहले होने वाले स्पाइडर आइलैंड नाम के एक इवेंट के दौरान पहना था, जिसका यूज करके उसने न्यूयॉर्क शहर में मौजूद सारे के सारे लोगों को ठीक किया था। पीटर इस बात को जानता था कि वो हेलमेट दरअसल में ऑटो ऑक्टेवियस का था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसी हेलमेट का यूज करके डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेगा और इसी चीज का यूज करके उसने धीरे धीरे पीटर के दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया और फिर उसने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें ऑटो ऑक्टेवियस ने अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर दिया और उसी रोबोट को उसने अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए भेज दिया। और आज से कुछ ही दिनों पहले जब स्पाइडरमैन हॉबगॉब्लिन से लड़ने में बिजी था, तब इसी मौके का फायदा उठाकर उस रोबोट ने स्पाइडरमैन के सिर के पीछे वाले हिस्से में अपने टेंटिकल्स को मारकर ऑटो ऑक्टेवियस की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर दिया और स्पाइडरमैन की मेमोरीज और उसके दिमाग को देखने की वजह से ऑटो ऑक्टेवियस ने उस रोबोट को इस तरह डिजाइन किया था कि उसका खुद का स्पाइडर सेंस भी उस रोबोट को पकड़ नहीं पाया। लेकिन पीटर सोचता है कि जो कुछ भी हो गया वो हो गया, लेकिन अब उसे इस बारे में सोचना होगा कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से किस तरह बाहर निकालेगा। और कुछ देर तक सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो भी उसी रोबोट का यूज कर सकता है जिसे ऑक्टेवियस ने अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया था। और थोड़ा फोकस करने के बाद वो उस रोबोट को न्यूयॉर्क शहर की एक छत पर ढूंढ निकालता है। वो धीरे धीरे करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो रोबोट अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है।
पीटर ने उस रोबोट को उठा तो लिया था, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसे अगर एक बार फिर से अपनी बॉडी वापस चाहिए तो उसके पास ऑटो ऑक्टेवियस को हराने के लिए कोई प्लान होना जरूरी है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे राफ्ट से बाहर निकलना होगा। लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और ऐसे मरे हुए शरीर को लेकर पीटर कभी भी राफ्ट से बाहर नहीं निकल सकता था। और ये सोचने के बाद वो ऑटो ऑक्टेवियस की मेमोरीज को छानने लगता है, जिसमें उसे एक ऐसा प्लान मिलता है जो पीटर की मदद कर सकता था, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो उस रोबोट का यूज करता है। वो एक कंप्यूटर के पास जाकर उसे हैक कर लेता है, और इसी चीज का यूज करके वो स्पाइडरमैन के विलन्स के पास एक मैसेज भेजता है, जिसमें ऑटो ऑक्टेवियस उन सबसे ये कहता है कि जो भी उसे राफ्ट से बाहर निकालेगा वो उसके बैंक अकाउंट में $6 मिलियन को डिपॉजिट करेगा। और ऐसा करते ही उस रोबोट की बैटरी वहीं पर खत्म हो जाती है, और उस मैसेज को भेजकर पीटर इंतजार करने लगता है। लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अचानक ही राफ्ट के अलार्म्स बज उठते हैं, और वहां पर मौजूद सारे गार्ड्स देखते हैं कि हाइड्रोमैन और स्कॉर्पियन वहां पर आ पहुंचे थे, जो वहां पर पहुंचते ही एक भयानक धमाका करते हैं। और पीटर की सेल का गेट तोड़ने के बाद उसके सामने ट्रैपस्टर नाम का एक विलन आता है, और उससे कहता है कि उन लोगों ने उसके मैसेज को देख लिया था, और उसी को देखने के बाद वो लोग वहां पर उसे छुड़ाने आए थे। वो उसके शरीर को उस मशीन से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि उसने एक ऑटोमेटिक लाइफ सपोर्ट बनाया था जो ऑटो ऑक्टेवियस के मरते हुए शरीर को कुछ देर के लिए जिंदा रख सकता था। और ये कहने के बाद वो पीटर की बॉडी को वहां से बाहर निकालने लगते हैं। इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद पीटर एक पल के लिए सोचता है कि उसने क्या किया, लेकिन तब उसके दिमाग में ये चीज आती है कि अगर उसने ऑटो ऑक्टेवियस को नहीं रोका तो जो कुछ भी वो करेगा उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। और ये सोचकर वो उन विलन्स के साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि उसके लिए अपनी बॉडी को वापस पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और चाहे जो हो जाए वो ऑटो ऑक्टेवियस को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस यूनिवर्स में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमिकवर्स का पार्ट बनिए। मैं जानता हूं कि ये स्टोरी काफी लॉजिकल सी है, लेकिन कॉमिक बुक्स हम सब इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लॉजिक नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइए कि आप सभी को सुपीरियर स्पाइडरमैन की बिगनिंग कैसी लगी। और हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।